पेज नंबर 219 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5.10 करेंगे, जिसमें लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस टू आइडेंटिकल लार्ज एंड फोर आइडेंटिकल स्मॉल मशीन। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर हम बड़ी और छोटी कई मशीनों का यूज़ करते हैं और इन दोनों के नंबर अलग अलग हैं। हमें डिटेल जो गिवन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लार्ज मशीन से रिलेटेड डिटेल गिवन है हमें और स्मॉल मशीन से रिलेटेड। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मशीन्स बताया जा रहा है कि हमारे पास आखिर कितनी मशीन है। तो दो हमारे पास लार्ज और चार हमारे पास स्मॉल टाइप की मशीन है। फिर बताया गया है ईच लार्ज मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द वर्कशॉप एंड फुली एम्प्लॉयड 3 वर्कर्स। दो बातें और बताई गई हैं, एरिया कितना यूज हो रहा है इन पे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने चाहिए ईच मशीन ऑपरेट करने के लिए। एरिया भी ईच मशीन को कितना चाहिए वो बताया जा रहा है। एरिया इसमें लिखा है 1/4 यूज करती है एक मशीन। ध्यान रखना हमारे पास दो मशीन है तो इसका मतलब इतना एरिया इनके पास डिवर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वन मशीन के लिए 1/4 एरिया चाहिए। और कितने वर्कर चाहिए, यहाँ पे 3 वर्कर इसको संभालते हैं और ध्यान रखना दो मशीन है, वर्कर 3 है, मशीन दे, तो 6 वर्कर हमें टोटल चाहिए इन सारी मशीन को संभालने के लिए। ठीक है, ये जो 2 है उसका कोई यूजेज नहीं होगा क्योंकि हमें एक मशीन की ही डिटेल चाहिए। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि टोटल कितने वर्कर हमारे पास बन जाएंगे। आगे इसके बाद लिखा है ईच स्मॉल मशीन ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द स्पेस ऑफ लार्ज मशीन एंड फुली एम्प्लॉयड 2 वर्कर्स। जो छोटी मशीन है वो जितना बड़ी मशीन ने एरिया लिया उसका आधा ही एरिया यूज करती है। तो भाई इसने 1/4 लिया तो 1/4 का आधा कितना होता है 1/8। इसने 1/8 एरिया यूज किया है और ऐसी हमारे पास कितनी मशीन है, यहाँ पे 4 मशीन है। ये ध्यान रखना है 4 यूज नहीं होगा, मुझे 1/8 की ही नीड पड़ेगी। और यहाँ पर 2 वर्कर वो यूज कर लेते हैं और हमारे पास 4 मशीन है तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास 8 होंगे, लेकिन एक मशीन पे सिर्फ 2 ही वर्कर की जरूरत हमें पड़ती है। फिर ये भी लिखा है द वर्कर आर पेड बाय पीस वर्क। हम वर्कर को पैसे पीस के हिसाब से देते हैं। ईच ऑफ द 6 मशीन इज एस्टिमेटेड टू वर्क 1440 आवर पर ईयर। अब इनका वर्किंग टाइम बताया जा रहा है, वर्किंग टाइम, और ये पर एनम बताया जा रहा है ईच मशीन का। ये 1440 आवर्स काम करती है और ये भी 1440 आवर्स काम करती है। सभी मशीनें एक बराबर चलती हैं और 1440 आवर्स जो है वो यूज़ होती है। वाइल द इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन इज टेकन एज 12,000 वर्किंग आवर फॉर ईच लार्ज मशीन एंड 9,000 वर्किंग आवर फॉर ईच स्मॉल मशीन। लाइफ ऑफ मशीन भी बताई गई है, जो बड़ी मशीन के लिए टोटल 12,000 घंटे की है और छोटी मशीन के लिए 9,000 घंटे के। मतलब ये 9,000 घंटे के बाद हमें मशीन बेकार हो जाती है, बदलनी पड़ती है। आगे ये भी लिखा हुआ है लार्ज मशीन कॉस्ट ₹20,000 एंड स्मॉल मशीन कॉस्ट ₹4,000 ईच। कॉस्ट ऑफ मशीन, पहले वाली मशीन ₹20,000 की आती है, दूसरी वाली मशीन जस्ट ₹4,000 की आती है। और उनकी स्क्रैप वैल्यू भी बताई गई है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। स्क्रैप ऑफ मशीन, इसकी स्क्रैप वैल्यू 4,000 है और इसकी स्क्रैप वैल्यू 100 है। ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास हाथ लगी है। फिर लिखे रिपेयर मेंटेनेंस एंड ऑयल एस्टिमेटेड टू कॉस्ट फॉर ईच लार्ज मशीन 4,000 एंड ईच स्मॉल मशीन 1,200 ड्यूरिंग द इफेक्टिव लाइफ। रिपेयर बताई गई है और वो लाइफ टाइम है और ये ईच मशीन की है, जिसमें ₹1,200 और ₹1,200। इसमें 4,000 का खर्चा है और इसमें सिर्फ ₹1,200 का खर्चा है, लेकिन ये लाइफ टाइम रिपेयर का खर्चा है एक मशीन को रिपेयर कराने का। पावर कंजम्पशन, पावर का बिल क्या आता है, पावर जो आती है वो एट द रेट ऑफ 0.05 पर यूनिट आती है। एक यूनिट 5 पैसे की पड़ती है। अब हम कितनी यूनिट यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है कितना बिल आएगा। लार्ज मशीन एंड अमाउंट टू लार्ज मशीन 20 यूनिट पर आर एंड स्मॉल मशीन टू 2 यूनिट पर आर। इसमें 20 यूनिट लग जाती है एक घंटे में और इसमें 2 यूनिट लगती हैं घंटे में पर आर। ठीक है जी। देन इसके बाद बताया जा रहे हैं कुछ कॉमन एक्सपेंसेस। अभी तक अलग अलग खर्चे बताए, अब कुछ कॉमन एक्सपेंस बता रहे हैं। द मैनेजर इज पेड ₹4,800 ए ईयर। हमने एक मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर की सैलरी जो है वो हमने टोटल फिक्स कर दी जो सभी मशीनों को संभालेगा और उसकी सैलरी ₹4,800 पर एनम होगी। मतलब ये स्मॉल और लार्ज का अलग अलग नहीं पता, ये टोटल वर्कशॉप का पता है हमें 4,800। और उसके बाद लिखा है एंड द वर्कशॉप सुपरविजन ऑक्यूपाइज हाफ हिज टाइम एंड
विच इज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सिक्स मशीन. कह रहा है ये जो टाइम है वो आधा टाइम हाफ टाइम वर्कशॉप को देगा और वो इक्वल्स सबको देता टाइम, चाहे छोटी मशीन हो और चाहे बड़ी, सबको वो बराबर ध्यान देता है और आधा टाइम उसने वर्कशॉप को दिया, आधा टाइम उसने कुछ और काम किया, आधा टाइम उसने इस वर्कशॉप को दिया. ये भी लिखा हुआ है आगे रेंट एंड रेट्स ऑफ द वर्कशॉप. रेंट बताया गया पूरी वर्कशॉप का रेंट है, ये भी इंडिविजुअल नहीं पता हमें, जो कि 6400 रुपये पर एनम है, साल भर का है ये हमारा रेंट. लाइटिंग, लाइटिंग भी हमें बताई गई है, ये भी कंबाइन एक्सपेंस बताया गया दोनों मशीन का मिला के, जो कि है रुपीज 1820 रुपये पर एनम. और उसके बारे में ये भी लिखा है इसको डिवाइड कैसे करना है, लाइटिंग टू बी अ पोर्शन इन द रेशो वर्कर एम्प्लॉयड. ये नंबर ऑफ वर्कर्स की रेशो में उसकी रेशो के अंदर जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा वर्कर्स की रेशो के अकॉर्डिंग. लिखा है टेकिंग ए पीरियड ऑफ 3 मंथ एज बेस कैलकुलेट मशीन आर रेट फॉर लार्ज एंड स्मॉल मशीन. ये लास्ट में उसने थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बहुत अच्छा जा रहा था क्वेश्चन. लास्ट में उसने कहा है जो बेस आपको लेना है वो 3 मंथ का ही लेना है, उसने हमारे हाथ बांध दिए. वैसे इस क्वेश्चन में देखें तो हमें इसके अंदर टाइम वर्किंग टाइम पर एनम दिया था, बहुत बढ़िया था वर्किंग टाइम पर एनम. हम एक साल का बेस लेकर चलते बहुत बढ़िया रहते, खर्चे बहुत सारे एक साल के, लेकिन अब आपको सभी खर्चों को कितने बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 महीने में. तो मुझे उन्होंने फोर्स किया 3 महीने का बेस लेकर सॉल्व करो, तो मैं जितने भी खर्चे यहाँ पे स्टैंडिंग चार्जेस होंगे वो सारे 3 महीने के ही कन्वर्ट करके लिखूंगा, जबकि एक साल के खर्चे पड़े मुझे उसका 1/4 लेना पड़ेगा, 3/12 करना पड़ेगा. चलिए पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, अब इसके बेस पे देखते हैं क्या करना है. सबसे पहले इसके अंदर नंबर ऑफ मशीन आई है जो कि हमारा फाइनेंशियल डेटा नहीं है, फाइनेंशियल डेटा वहां पे जाएगा, नॉन फाइनेंशियल डेटा को हम यूज करेंगे उसको फाइनलाइज करने में. तो पहला डेटा हमारा फाइनेंशियल नहीं है, दूसरा एरिया फाइनेंशियल नहीं है, तीसरा नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज है ये फाइनेंशियल नहीं है, चौथा हमारा वर्किंग टाइम ये भी फाइनेंशियल नहीं है, लाइफ ऑफ द मशीन फाइनेंशियल नहीं है, ये सारा डेटा हमारा नॉन फाइनेंशियल है. यहाँ से फाइनेंशियल डेटा शुरू होता है और यहाँ से एंट्री यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट जाना शुरू हो जाएगी. सबसे पहले उन्होंने बताई है कॉस्ट ऑफ द मशीन और उसकी स्क्रैप वैल्यू, इन दोनों के कैलकुलेशन से डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है. हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं. कैसे निकालेंगे, वर्किंग और उसकी वैल्यू फाइनल करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखेंगे जो कि है 20,000 बड़ी मशीन, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी 4,000, और क्योंकि ये टोटल डेप्रिसिएशन होगा पर आर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है जितने टाइम का खर्चा लोगे उतने टाइम में कितने घंटे मिलेंगे काम करने के लिए उसे डिवाइड कर दो. अगर आप एक साल का खर्चा लोगे तो एक साल में कितने घंटे काम होगा उससे डिवाइड करोगे, अगर एक महीने का खर्चा उठाओगे तो एक महीने में कितने घंटे काम होता है उससे डिवाइड करोगे, अगर 6 महीने का खर्चा उठाओगे तो 6 महीने में कितने घंटे मिलते हैं उसे डिवाइड करोगे. ये तो लाइफ टाइम खर्चा है, तो बताओ कौन से घंटे उठा लेने चाहिए, इसकी लाइफ कितनी है, मुझे सीधा सीधा पर आर पता चल जाएगा. और लाइफ ऑफ द मशीन मुझे बता दी गई कितनी है 12,000 घंटे, तो इसे 12,000 आर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलर वे में स्मॉल मशीन की बात कर लेते हैं, स्मॉल मशीन हमारी 4,000 की है, उसकी स्क्रैप आप बता रहे हो 100 रुपये की है, और ये भी लाइफ टाइम खर्चा तो लाइफ उसकी कितने घंटे की है 9,000 आवर्स की है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला अमाउंट भी आ जाएगा. कैलकुलेशन सारी एक साथ करेंगे, पहले डेटा रेडी कर लेते हैं. चलो जी, हमने कॉस्ट ले ली, स्क्रैप ले ली, रिपेयर भी कब किए भाई, लाइफ टाइम. रिपेयर भी वेरिएबल एक्सपेंस होता है, यहाँ पर लिखते जी रिपेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना खर्चा है रिपेयर पे, बड़ी मशीन पे 4,000 का खर्चा है, और लाइफ टाइम खर्चा है तो लाइफ कितने घंटे की है 12,000 घंटे की, डिवाइड करेंगे तो पर आर कॉस्ट पता चल जाएगी. इसमें रिपेयर कितने की होने वाली है 1200 रुपये की रिपेयर होनी है, तो 1200 डिवाइड करेंगे इसकी लाइफ और इसकी लाइफ है 9,000 आवर्स, तो ये भी आ जाएगा. चलो ये रिपेयर को भी हमने निपटा दिया. फिर बात आती है पावर की, पावर तो सीधा एक ही घंटे का निकल जाएगा, मुझे इसके अंदर लाइफ टाइम की जरूरत ही नहीं है. पावर को कैसे निकालेंगे जी, आपने बोला है कि बड़ी जो मशीन है वो 20 यूनिट यूज करेगी और एक यूनिट आपने बताया 0.05 की आती है, 5 पैसे की आती है, तो इसका लिए कितने का बिल हो गया. तो सीधा सीधा मैं बता सकता हूं कि 1 रुपए की बिजली यहां पे यूज होगी और यहां पे कितनी यूनिट यूज होंगी, सिर्फ 2 यूनिट यूज होंगी और 1 यूनिट कितने कहते हैं 0.05, तो यहां पे बिजली का बिल जो होगा सिर्फ 10 पैसे ही पर यूनिट पर आर का पड़ेगा. मुझे 1 घंटे का खर्चा चाहिए तो सीधा 1 घंटे का आ गया. चलो जी, पावर को भी हमने निपटा दिया. फिर आ गया इसके अंदर मैनेजर, मैनेजर का खर्चा हमें वो डिवाइड करना है और मैनेजर की सैलरी फिक्स सैलरी होती है, तो मैनेजर को यहां पे ले आएंगे. मैनेजर्स सैलरी, पहली बात ध्यान रखना है कि ये जो बेस रहेगा वो
3 month का ही रहेगा, 3 महीने का बेस उसने फोर्स किया तो 3 महीने का लेंगे। सबसे पहले टोटल खर्चा हमारे आना होने वाला है 4,800, 3/12 कर दीजिए, तो 3 महीने में तो बदल दिया, पहले 1 साल का खर्चा था 3 महीने में, अब 3 महीने में बदल दिया। उसके बाद कह रहा है कि वो आधा टाइम मशीनों को देगा, लेकिन तो सारा खर्चा थोड़ी मैं ले लूंगा भैया, आधा ही खर्चा आना चाहिए तेरा, यहाँ पूरा टाइम दे पूरा खर्चा लूंगा, आधा टाइम देगा आधा खर्चा लूंगा, तो आधा कर दिया। और अब ये जो खर्चा है वो कितनी मशीन में बटना है, सभी मशीनों में इक्वल डिवाइड होना है। बताओ कितनी मशीन है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन, 2 हमारे पास बड़ी मशीन है और 4 हमारे पास छोटी मशीन है, तो टोटल कितनी मशीनें निकली हमारे पास, 6 मशीनें निकली। हम कहेंगे भाई उसके बाद 1/6, और खास बात है यही अमाउंट यहाँ पे भी, क्योंकि सभी मशीनों में बराबर बटने हैं, तो जो रकम यहाँ पे आएगी वही रकम यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो सेम फिगर यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ₹4,800 है, पहले 3 महीने का बेस बनाया, फिर आधा टाइम आप देते हो, और 1/6 लूंगा, यहाँ पे भी एक मशीन है, यहाँ पे भी एक मशीन है, दोनों के कैलकुलेशन में एक मशीन के लिए कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 4,800 का 1/4 पहले तो, और उसके बाद फिर उसका हाफ, और उसके बाद फिर उसका 1/6, तो ये ₹100 आपका खर्चा जो है इसके अंदर पड़ेगा आपका, ठीक है। तो ₹100 यहाँ पे लिख देते हैं जी, ये ₹100 का आ गया, ये ₹100 आ गया, दोनों में बराबर ही आना था। तो चलिए मैनेजर की सैलरी होगी, अब किसकी बात करनी है, रेंट, रेंट यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो रेंट हमने टोटल कितना दिया, 6,400, 3 महीने का बेस बनाने के लिए बोला था, इसलिए 3/12 करेंगे। ये तो आपने जबरदस्ती बनवाया, वरना मेरे को आवश्यकता नहीं थी 3 महीने का बेस बनाने की, लेकिन अब 3 महीने का बेस बना दिया, ठीक है। अब रेंट के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन हमें पता है रेंट जो है वो एरिया के हिसाब से पेड करना पड़ता है, जितना ज़्यादा एरिया यूज़ करोगे उतना ज़्यादा किराया होगा, और मुझे एक मशीन का चाहिए, लार्ज एक मशीन, तो एक मशीन के पास कितना एरिया हिस्से आ रहा है, 1/4, तो ये हो गया रेंट 3 महीने का, इसका भाई 1/4 यहाँ पर डालेंगे। और सिमिलर तरीके से छोटी मशीन का रेंट तो आधा ही होगा, 6,400, 3 महीने का बेस, लेकिन 1/8 होगा, इधर 1/4 उधर 1/8, कितना हो जाएगा, 6,400 का 1/4, और उसके बाद डिवाइड करूं मैं 4 से, तो फिगर आ रही है 400, तो यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे तो 200 ही आएगा, क्योंकि उसके पास तो आधा एरिया था, रेंट भी आधा हो जाएगा, क्लियर है। अगली कैलकुलेशन, लाइटिंग, लाइटिंग, लाइटिंग का जो बिल हमारे पास आ गया वो कितना आ गया है, ₹1,820, पहले तो 3 महीने का बेस बनाना है, 3 महीने का बेस बना दिया, सेम यहाँ पे भी होगा ₹1,820 और 3 महीने का बेस। अब इसमें लिखा था कौन सी रेशियो में से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हमारे पास हैं उनकी रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। बताओगे कितने वर्कर है हमारे पास, बड़ी जो मशीन है उसको एक मशीन को चलाने में कितने वर्कर की जरूरत पड़ती है, 3 वर्कर की, और छोटी मशीन को चलाने में कितने वर्कर की जरूरत पड़ती है, 2 वर्कर की। तो मुझे बताओ कि यहां पर मैं कितना खर्चा बुक करूं, मुझे अगर रेशियो ऑफ वर्कर चाहिए तो रेशियो ऑफ वर्कर क्या मानी जाएगी, 3/5, 3/5 कैसे आया, 3:2 की रेशियो, और यहां पे कितनी होनी चाहिए, 2/5, ठीक है, ये समझ में आ गया, एग्जाम में बिल्कुल गलत होगा तुम्हारा आंसर, रॉन्ग तुमने रेशियो बताइए मुझे, मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, रेशो तुमने गलत बनाई है, 3/2 की रेशो नहीं है, क्या है रेशो, आपके पास 2 मशीनें हैं, 2 से ज्यादा मशीनें, 2 मशीनें पूरी फैक्ट्री में लगी हैं, 2 से ज्यादा मशीनें फैक्ट्री में लगी हैं, 2 से ज्यादा लगी हैं, मुझे सभी मशीनों का डेटा बताओ कि कौन कौन सी मशीन लगी है। नंबर 1, 2 लार्ज मशीन लगी है, 2 लार्ज मशीन है, 3 वर्कर पहली मशीन पे, 3 वर्कर दूसरी मशीन पे काम कर रहे हैं, 4 छोटी मशीनें भी लगी हैं, 4 छोटी मशीनें भी लगी हैं जिसपे 2-2 वर्कर हर जगह काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था खर्चा जो होगा वो नंबर ऑफ वर्कर की रेशियो में बांट देना, तो हमारे पास टोटल क्या 5 वर्कर है, टोटल 5 वर्कर, कितने वर्कर बने ये टोटल, ये टोटल बने 14 वर्कर, 14 वर्कर है, 14 में से सिर्फ 3 वर्कर ही तो लार्ज मशीन एक मशीन को संभाल रहे हैं, आपने माने 5 वर्कर, आप ध्यान से समझ रहे हो, आपसे 2 मशीनों में खर्चा बांट दिया आपने सारा, ये जो खर्चा हमारा था वो 6 मशीनों में बटना है, 2 मशीनों में नहीं बटना, तुम तो सारा खर्चा 2 मशीनों में बांट रहे हो, और हमारे पास मशीनें हैं 6, आपको क्या करना चाहिए, 3 तो तुमने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्कर 3 नहीं बल्कि कितने हैं, 14, 14 में से सिर्फ एक मशीन का खर्चा लेना है आपको, और एक मशीन पे 3 वर्कर काम कर रहे हैं, और यहां पे कितना हो जाएगा, 2/14, रेशो यहां से निकलेगी, एक लार्ज मशीन मतलब 2/14 और एक स्मॉल मशीन मतलब 2/14, क्लियर है। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 1820 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 14 करने से वैल्यू आ रही है 97.50, और उधर जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 65 रुपीज़।
ठीक है, इतने ही इसमें खर्चे थे, इतने ही खर्चे थे। स्टैंडिंग चार्जेस हमारे फाइनल हो रहे हैं यहाँ पे 597 रुपये 50 पैसे और ये हो जाएंगे 365। अब हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, वो है 3 महीने में कितने घंटे काम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 साल में इतने घंटे काम हो सकते हैं, तो आर्स इन 3 मंथ्स कितने बनेंगे, कैसे निकलेंगे? आपको क्या आसान है? सर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1440 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो फिगर आएगी 360 आवर्स, 360 घंटे आपको मिलेंगे। तो मतलब ये जो खर्चे सारे हो रहे हैं 1 साल के, वो अब 1 साल के नहीं 3 महीने के, उनको 360 से डिवाइड कर दूँ तो पर आर का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडिंग कॉस्ट पर आर क्या होगी, वर्किंग कर लेते हैं जी। यहाँ पे आएगा ₹597.50 डिवाइड बाय 360 और यहाँ पे हो जाएगा 365 डिवाइड बाय 360 और जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे फिगर आएगी 1.66 और यहाँ पे फिगर आ जाएगी हमारे पास 1.01। डेप्रिसिएशन निकल चुका है, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये 16,000 हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 12,000 से तो फिगर हमारे पास आ रही है 1.33। अब अगर आंसर चेक करोगे तो आपको ये फिगर गिवन होगी और ये फिगर हमारे पास हो जाएगी 0.43। अब रह गया रिपेयर, रिपेयर तो 1/3 हो रहा है यहाँ पे, तो 0.33 होगी और वहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 0.13। बस फाइनली अब आपको इनका टोटल करना है, जब हम इसका टोटल करेंगे फिगर आएगी 4.32 और उधर वैल्यू हो जाएगी 1.67, जिसे क्या बोलेंगे, क्या निकाल लिया हमने, मशीन आर रेट निकाल लिया। ये चीज़ ऊपर भी लिख देंगे, आप क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, हम कैलकुलेशन कर रहे थे मशीन आर रेट की। इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर करना था, कंप्लीट है।